वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आज डैडी पिजन्स कामत गिल्ली 5 का राउंड चल रहा है, 4 कमेडी रख के जो उड़ा रहे हैं कबूतर, तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन कबूतर उड़ा चुके हैं डैडी पिजन्स। तो डैडी पिजन के मालक को मिलेंगे, जो इनकी किस तरह से कबूतर की ट्रेनिंग दिए हैं और कबूतर उड़ाए हैं, थोड़ा बात करेंगे। और पंच भी आए हैं और पंच से भी मिलेंगे और पंच को बताएंगे किस तरह से कबूतर उड़ रहा है सुबह से। नागेश भाई नमस्ते। नमस्ते सर। तो आज पंच पे आए हैं आप। हाँ जी। तो किस तरह का टूर्नामेंट चल रहा है ये? जब 5 का राउंड होता था तो बहुत पहले 10 साल के पीछे ये टूर्नामेंट हुआ था जी। इसके बाद में अभी पहली टाइम जो 4 कमेटी मिलके एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करे हैं 5 कबूतर उड़ाने का। टूर्नामेंट कौन कौन सी कमेटी? पिजन प्लेइंग चैंपियन एसोसिएशन और केसरी पिजन लवर्स बेलगाम और मध्यकरी पिजन्स ट्रॉफी। और अभी रिसेंटली हमारा रुपेश भाई ने नया कहियो खोला है कमेटी, तो उसका भगवा रक्षक नाम है। तो वो चारों कमेटी मिलके आपस में एक बात करके एक फ्रेंडली बोल के एक 5 का राउंड रखे हैं और सक्सेसफुली जा रहा है। और इसमें कल का मुरली पिजन जरा अपना टॉप पे दिखा चुके हैं, 28 घंटा कबूतर उड़ा के एक फर्स्ट का एक लीड रखा है। और हमारे डैडी पिजन कामत गिल्ली का जो सोनू है उसके कबूतर अभी देख रहे हैं आप उड़ रहे हैं, तो वो उसका टाइमिंग क्रॉस करने के लिए आ चुके हैं यहाँ पर। तो देखेंगे अभी कबूतर ऊपर है तो क्या क्या होता है अभी देखेंगे जी। तो लोग भी बहुत आ चुके हैं। हाँ बहुत तो आ चुके हैं। रुपेश भाई थोड़ा बताइए आप। इधर आओ, वहाँ बोलिए, दिखा करना वीडियो निकाल रहे वीडियो। तो बताइए आपके कबूतर किस तरह से उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं और किस तरह से ट्रेनिंग आपने दी है, कितने दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं आप कबूतरों की और आपके उस्ताद कौन है? तो कबूतर अभी तक तो आपके माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन उड़ रहे हैं, कितनी 8 बजे से पकड़ के 3 बजे तक, पर आपका नाम बताइए। सबसे पहला शुक्रिया मेरा इंटरव्यू लेने के लिए जी। और ये सब मेरे उस्ताद है जी, उन्होंने सब मुझे पराग खींचने से पूरा कबूतर उड़ने तक पूरा उन्होंने सिखाया जी। ये सबसे पहला ज़्यादा सिखाए बोले तो बेलगाम का जानी मैंने मैं मानने वाला उस्ताद जी। तुम्हारा शुभ नाम बताइए। मेरा नाम उस्ताद का नाम है अमित चौहान जी, और उसमें आधा भागीदार है कमल टाइगर जी। वो दोनों जन मुझे ज़रा बहुत ही ऐसा नतीजे हाँ ये करते हैं, इतना ही बोल सकते हैं जी। तो आज कितने दिन ट्रेनिंग लिया अपने कबूतरों की? मैं अभी नहीं बोले तो 15 दिन महीना हो गया मैं इसके पीछे आए काम धंधा छोड़ के जी। अच्छा जो हो रहा है अभी अच्छा हो दे जी। और कबूतर कौन कौन से कबूतर उड़ाए हैं अभी आपने? मैं 2 मद्रासी उड़ाए हैं, ये 3 मद्रासी उड़ाए जी और 1 मिक्स मद्रासी उड़ाए जी। तो 5 का उड़ाए हैं आपने? 5 का उड़ाया है, एक कबूतर सादा उड़ा था वो कबूतर बंद में चला गया है, अभी तो फिलहाल दिखा नहीं जी, देखने के बाद में देखेंगे जी। तो अभी हमारे पंच आए हैं, तो किस तरह का उनका व्यवहार चल रहा है यहाँ पे, किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं उनको? नागेश भाई एक नंबर पंच है जी, एकदम अच्छा ये करते हैं जी, क्या ऐसा ये नहीं उनका तकरार विकरार जी, बराबर सपोर्ट विपोर्ट करके चलते हैं जी। मेरे तो फिलहाल अभी नज़रे में बेलगाम में सबसे बेहतरीन पंच यही है जी। नहीं उनका एक्सपीरियंस बहुत माशाल्लाह बहुत दिन से है, क्योंकि वो खुद अपने पेटी में नहीं उड़ाए अभी तक नागेश भाई कबूतर, क्योंकि उनको पंच में भेज के उड़ते। और कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? और क्या बोलने का भाई अभी जी, उसका लाइव एक वीडियो लो। हेलो ये रहे भाई लाइव राउंड चल रहा है।